अफ्री हक तो ले लो, दिल्ली का पासपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। किस्मत ही खराब है, एलिफेंटा बंद हो गया। दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 8:30, हम अभी अभी उठे हैं। शाम को ये सोच के सोए थे कि 7 बजे उठेंगे और जाएंगे टाइम से, नीचे नहाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे होटल में, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे नहाने, आपको नीचे का दिखाता हूँ। उससे पहले आपको अपने रूम से व्यू दिखाऊंगा बाहर का। ये देखो, ये अंदर का व्यू अंदर का व्यू ये, और बाहर का व्यू देखो। कैसा लग रहा था, इतना अच्छा व्यू है। नो डाइविंग लिखे, नो डाइविंग, डाइव ना करना, ठीक है। नो डाइविंग मतलब, मतलब डाइविंग मतलब ऐसे छलांग नहीं मारनी अंदर, ठीक है। डर गया, हवा तो ठंडा हवा चल रही है, डर गया। भाई इनको देखो, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। 2 घंटे हो गए अभी तक बाहर नहीं आ रहे। आपको कैसा लग रहा है देख के, मज़ा आ रहा है? फाइन फाइन। कहाँ जा रहे हो? हम अभी जिम जा रहे हैं। चलो उसके बाद रूम में चलेंगे। इतना कुछ खाया, इतना कुछ खाया, इतना कुछ खाया, अब एंड में ये मंगाना रह गया था, ये भी आ गया। ये देखो ये जूस, अभी तो कॉफी पी थी आपने। अभी अभी नाश्ता करके आए हैं, इतना ज्यादा इतना खा लिया, इतना खा लिया। अब जाने का ही दिल नहीं कर रहा कहीं भाई। ठंड भी लग रही है, 12 बजने वाले, ठंड लग रही है आपको? अब सर्दी भी लग शुरू हो गई ना, 12 बजने वाले, 12 बजने वाले हैं, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, इतना खा लिया, ओवर खा लिया। रात को नहीं खाया था इसलिए, इसलिए भाई तीनों लेट गए। देखो आराम से जाने का कहीं दिल नहीं कर रहा। होटल का रूम, होटल में घूम लेते हैं, छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा होटल, होटल में घूम लेते हैं। दोस्तों 2 बज गए हैं, 11 बजे आए थे हम ब्रेकफास्ट करके, पता भी नहीं चला 3 घंटे सोते सोते, पता नहीं क्या मिलाया था ब्रेकफास्ट में उन्होंने। हम तो फिर भी उठ गए, वो देखो वहाँ पे वो भाई साहब अभी तक नहीं उठे। वो भी उठेंगे, हम फिर निकलेंगे यहाँ से, तब घूमने जाएंगे कहीं। अब तो दोपहर हो गया, आधा दिन खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ जाएंगे अब। एलिफेंटा देखते हैं। एलिफेंटा 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 जाने के लिए। ये देखो तैयारी हो रही है। तैयार हो गया निकलने के लिए, मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि जाना था। कमरे का हाल देख लो। मेहमान आया भी कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से, पंजाब से, कहाँ कहाँ से। अब हम निकल रहे हैं, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:30,
ना ढाई ना तीन साढ़े तीन साढ़े तीन अब हम निकल रहे हैं साढ़े तीन वहाँ हमें पहुंचने चार बजे अगर लेट होगा साढ़े तीन बस सुन लिया सबने साढ़े तीन मामा जी रोलर कोस्टर किराया लेने जा रहे हैं गोल गोल घूमेंगे इनको चक्कर आ जाएंगे जहाँ पे गए हैं वहाँ पे यहीं से वापस जाएंगे टाइम पास नहीं हो रहा था ना तो कुछ ना कुछ तो करना ही है टाइम पास करने के लिए मजा आया झूले खा के मजा आ गया फाइनली चार बज गए नीचे पहुँचते पहुँचते जितनी आसानी से यहाँ पर टैक्सी मिलती है उतनी आसानी से और कुछ नहीं मिलता यहाँ पर ये देखो जैसे इनको पता है क्या आने वाले हैं टैक्सी वाले हमें ढूंढ रहे थे पंजाबी गाने लगा दिए हमें देख के पंजाबी चलते ही मीटर पे डांस करने लग गया इतने लोग हैं यहाँ पर भी इतने लोग हैं हर जगह भीड़ ही भीड़ मिल रही है भीड़ ही भीड़ मुंबई की पहचान बड़ा पाव किस्मत ही खराब है एलिफेंटा बंद हो गया सारी बोट चली गई है अब हम नहीं जा सकते अब कल कोशिश करेंगे दोबारा आने की बंद होगा तो उनकी भी लग रहा है बहुत अफसोस लग रहा है हम एक घंटा वहाँ सोए रहे तो इतनी भीड़ है यहाँ पे भी इतनी भीड़ है और वहाँ देखो समुद्र में भी भीड़ है लोगों गलती करी हमने सो के होटल में इतना लेट हो गए उठने में देरी हो गई हम यहाँ पर आए घंटा बंद हो गया बर्बाद खत्म टाटा गया पूरा एक दिन वो निकल गए हैं गेट वे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा बंद हो चुका था अब हम जा रहे हैं खाना खाने यहाँ पे हमने एक घंटा खराब किया अपना धूप में पसीने से नहा लिया अच्छी तरह पानी को तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पसीना इतना आ गया था क्यों हाँ जी अब हम जा रहे हैं कुछ खाने उसके बाद कहीं और जाएंगे हम घूमने तो बताएंगे आपको भी सोच रहे हैं दिल्ली की तरफ फास्ट फूड मिलेगा यहाँ पे ये है फिल्टर कॉफी फिल्टर लोगों के लिए आगे भी निकल गए हैं हाँ जी दीदार जी कहाँ ले जा रहे हो हमें चौपाटी जाएंगे चलो जी चौपाटी पहुंच गए आपको दिखाते हैं चौपाटी आज मुंबई की भाई चौपाटी की कैब कर ली है हमने और जितनी बार भी कैब करी है ना यहाँ पर आके हमने हमेशा सेंटर ही मिली है ना हमेशा सेंटर ही मिली है हाँ जी तो टैक्सी में बैठते सबसे पहले हमें क्या मिलता बताओ टूटे रही जाम देखो ये दुनिया की सबसे जानी मानी बिल्डिंग है ये सबसे मशहूर बिल्डिंग और सबसे महंगी बिल्डिंग इतनी पुलिस खड़ी है यहाँ पे इतनी पुलिस खड़ी है यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ कम है पुलिस की अच्छा पुलिस भी रेंज रोवर में पुलिस वालों के पास भी रेंज रोवर है अमानी साहब की बिल्डिंग है ये हाई सिक्योरिटी है सबसे फेमस बंदे के लिए
नहीं है, अंधेरा तो होगा ना, ये बड़ी तगड़ी है। पानी पाना मोबाइल नहीं, गंदा पानी है, मोबाइल गंदा हो जाएगा। एक और हमने टैक्सी कर ली है, सारी टैक्सियों की छतें मॉडिफाइड थी, इसकी छत भी मॉडिफाइड है, सीटें मॉडिफाइड। देखो भाई इतना रश, तो सामने हमने जाना है, बैठना है वहाँ जाके। मुझे लग रहा है कि जो हमारी चैनल का नाम है ना वेली जनता शो, जनता मुझे लग रहा है वेली जनता अब आपको दिख रही है, यही है सारी वेली जनता। देख लो बॉम्बे में ही है भाई, असली वेली जनता बॉम्बे में ही है। दो वेले एक ये जा रहे हैं, बाकी जनता इधर है। वेले दे प्रधान हम हैं और वेले आप हमारे पीछे देख सकते हैं। केकड़े भी हैं, केकड़े मोबाइल में देखेंगे। जूम करो, ये दीदार जी हमको यहाँ पे ऐसे लेके आए हैं। दुकान पता नहीं चल रहा किस चीज़ की है, पर इतनी भीड़ है। देखो यहाँ पे लोग आराम से आइसक्रीम, दुकान के आसपास कहीं नहीं लिखा है कि आइसक्रीम शॉप है या आइसक्रीम पार्लर है, और भीड़ इतनी लगी हुई है जैसे इनको सबको पैदा होते हुए पता चलेगा कि हाँ यहाँ आइसक्रीम मिलती है। कहीं बोर्ड नहीं लगा, देखो कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं कहता कि आइसक्रीम शॉप है। भाई हमने टैक्सी कर ली है, अब रात हो गई है, हम निकल गए हैं होटल की तरफ, कैब करी है, फिर से सेंटर मिली है हमें, ये हमें 40वीं सेंटर है हमारी जब भी हम कैब करते हैं। और भैया ने छत ये भी मॉडिफाई करा रखी है, सीटें भी मॉडिफाइड है भाई। यहाँ पे जितनी टैक्सियाँ चेंज कर ली ना हमने दो दिन में, इतने पूरे दो महीने में नहीं करते हम दिल्ली। यहाँ पे इतना रश क्यों है? हो गया रोड पे खड़े हुए, कोई टैक्सी नहीं आ रही। हाँ जी बड़ी सेंटर कर ली थी ना आज आपने सेंटर भोग की थी ना आपने आज, अब कहाँ आ रही है एक भी। तो ये हमने आज की लास्ट टैक्सी कर ली है, और लास्ट भी जैसे कि आपको पता ही है सेंटर ही है, जिसकी सीटें मॉडिफाइड है और छत भी मॉडिफाइड है। देख लो सारी सेंटर मॉडिफाइड मिलेंगी यहाँ पे, देखो दरवाजे तक मॉडिफाइड है। ये हम जा रहे हैं अपने होटल वापस, रात को हम रोटी हमने खा ली है बाहर, अब हम जाके सो जाएंगे, जाके आपको दिखाऊंगा। जी दीदार जी पहले वहाँ पहुँचे हुए हमसे, वहाँ पे जाके हम सो जाएंगे, फिर आपसे सुबह मिलेंगे, होटल में जाके व्लॉग का एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो होटल वापस आए हैं, चाबी घर में भूल गए हैं, यहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर रही बिना चाबी के, उसको चलवाना नहीं जा रहा ना बोल के, हम वेट कर रहे हैं, दीदार जी आ रहे हैं चाबी लेके, यहाँ पे आएंगे तो हम जाएंगे वापस। आ गए कोई, कौन आया वो? दोस्तों हम होटल वापस पहुँच चुके हैं, अभी हम ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे, बहुत थके पड़े हैं दोनों, तो थक गए हैं मैं भी, अब सोने लगा यहाँ पे। ठीक है देखो बाय बाय कर दो सबको, ऐसे करोगे तेते जनो तेते। चलो जी अब अगले ब्लॉग मिलेंगे, ठीक है बाय बाय।